फतेहपुर भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी? आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर, बेलोल खान। बेलोल खान? किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बेलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की, चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की शंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की शंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। जीरों के कल कल करने से आया हरि सेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकू साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकौड़ों की तरह मर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकू साहब। गजब हो गया काको साह, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बड़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काको साह, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब हमारी सहायता के लिए भेज दिया। इतना बड़ा निर्णय वे अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यह युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों को बहुत काट चुके हैं राणा जी, अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के धक्के सुना देंगे राणा जी। सोच क्या रहे हैं काकोसा? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम भर, देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन? इसका मतलब ये कि मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है।
शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है, कितना भी प्रयत्न करो ये निकल नहीं सकती, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है ना कहे। नहीं शहंशाह, यदि आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला को मत। क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं धोखा है, ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मानसिंह, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चाली ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूत जरा पकता छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मानसिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिपे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। वो जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरपराई की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो आज मिल गया तुम्हें मौका, तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का यह मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे।
हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश, कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप, तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सेन जी, ये अवश्य हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें, परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है, कैसे अन्य मुश्किल है आनंद जी? इसका एक मात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी ही वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। काजी खान और भूखा सिंह, फौरन जाओ और फिर सेना की मदद करो। जी काकू साहब। रुक जाओ सब, आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग दो कदम पीछे। अब दो कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए, और इस नगर में यह बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए?
बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही। अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। ना ना बच्चे, इसी कुछ समय में पहले कई सूर मर चुके हैं प्रताप के हाथों। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मानसिंह जी आपके भतीजे को, एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जना। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है। चेतक, अब ठीक तो है ना? मानसिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जरा बख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का, बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को, जान माल का हाल। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वह कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ, मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट हट। वीर सैनिकों, आज पहली बार मानसिंह हमारे सामने खुलकर युद्ध के मैदान में हमसे लड़ने आया। यदि आज अकबर भी हमसे अंतिम युद्ध लड़ता तो हम उस पर इतने क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो तो अकबर है, एक मुगल है, शत्रु है हमारा, क्रांता है। ये मानसिंह तो राजपूताने का एक राजपूत है, इसीलिए हमें इस पर दुगना क्रोध आ रहा है। घर के भेदी ने आज शत्रु बनकर
घर का ही नाश करने आया। बड़ी हैवानियत के साथ प्रताप ने भगवान दास जी का कत्ल किया है। अपने अब्बा हुजूर की इस निशानी को तो पहचानते हैं ना? देखिए प्रताप जलामत मान सिंह, आज हम ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे साथियों। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। टर्कलिंग जी, टर्कलिंग जी, टर्कलिंग जी। अकबर मुगल सेना इसी ओर आ रही है। और क्या? और कुंवर जगमाल सिंह उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है इस बात का। देखिएगा, हम डट कर सामना करेंगे मुगलों का। सब शस्त्र संभालिए अपने अपने। जैसे ही शत्रु दुर्ग का प्रवेश द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, हमारा शत्रु के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ। फिर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम मारेंगे, हारेंगे या मर जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। बस एक बार ये दुर्ग का द्वार टूट जाए, फिर हमारे सैनिक आसानी से उदयपुर के दुर्ग के अंदर घुसकर उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। उन मुगलों को त्रिभुजाकार व्यू बनाकर उसमें तीन तीन छोटी टुकड़ियों में उलझाएंगे, और जब वो मुगल सिपाही उस व्यू में फंस जाएंगे तो हम चौथी टुकड़ी लेकर उन पर आक्रमण कर देंगे। समझ गए ना सर? सर होती छाया था भय, भीषण मार का शहर से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं क्षण, इधर विजय क्षण उधर विजय, क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। खुरासन, जब तक ये चुनावत अपनी मेवाड़ी फौज को अपनी दमखम और चालाकियों से संभाले हुए हैं, तब तक ये मारता जाएगा हमारे सिपाहियों को। और इसी बीच पता पहुंच जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हमारे मान सिंह की ओर। अभी तो बोलते चुंडावत को चली को चुनाव जी पूरी सुरक्षा के साथ रणभूमि के बाहर लेकर जाइए। जाते गिरते मरते मिटते जाते, बन गए वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। सैनिकों पूरी शक्ति के साथ
साथ मुगल सेना में घुस रही है। राणा जी अपने दान के मोर्चे पर ध्यान दीजिए। अब कैसे पहुंचोगे तुम हम तक तक प्रताप हम चारों ओर से घिर चुके हैं। अब क्या करना है? अरे एक साथ दोनों ओर से हम पर आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से हम घिर जाएंगे। और अगर मुगल सेना ने दोनों तरफ से राणा जी पे आक्रमण कर दिया तो वो कभी भी मान सिंह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर तत्काल राणा जी ने मान सिंह का वध नहीं किया है आचार्य, तो हम ये युद्ध हार गए समझ लो। आचार्य मैं दाई और साथी मुगल सेना को मुख्य भूमि पे आने से पहले उन पे निर्णायक आक्रमण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रणनीति है आपकी राम शाह जी। अब हम बाई ओर से अपनी संपूर्ण सेना के साथ आते हुए मुगल भाव को रोक लेंगे। अगर आप दोनों के पास तो सेना बहुत कम है, ऐसा करना आप दोनों के लिए आत्मघातक होगा। आचार्य अब आप हमारे प्राणों की चिंता करना छोड़ दीजिए, बस आप राणा जी का साथ दीजिए मध्य भाग में। हमारे वीर भाइयों, अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ने का ये हमारे पास अंतिम अवसर है और इतिहास साक्षी रहेगा हमारे इस युद्ध का। एक लिंग जी के आशीर्वाद से हम पुनः जन्म लेंगे और एक बार फिर सब मिलकर अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे और अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। एक साथ हम सब मिलकर आक्रमण करो वसीम खान पे, आक्रमण करो काजी खान पे। राणा जी अब अपना पूरा ध्यान उस मानसिक तक पहुंचने के लिए एकत्रित कीजिए। और हमारी बाई और दाई ओर से आ रहे वसीम खान और काजी खान का क्या होगा आचार्य जी? उन दोनों मोर्चों को संभालने के लिए राम शाह जी और दुर्गा जी जाती का ये तो आत्मघाती अभियान होगा। नहीं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें इस बात का बोध है उनको हम मान सिंह तक पहुँच सके, इसी कारण हेतु उन्होंने इस अभियान को इस मार्ग को चुना। अब जाइए राणा जी, हमारे पास समय बहुत कम है। जाइए उस मान सिंह की ओर राणा जी, जाइए जाइए। अब इस घर के भेदी राजपूत को मारने का समय आ गया है। मान सिंह अब तुम जीवित नहीं बचोगे। जय मेवार। Yeah.
मानसिंह, तुमने मुगलों का साथ देकर राजपूताने को धोखा दिया। मात्र चंद स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुम मुगलों के हाथों तुमने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया। तब से राजपूत भाइयों के विरुद्ध तुमने षड्यंत्र। अब तुम एक राजपूत नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे रगों में राजपूती खून नहीं, मुगलों का मलिच और गंदा पानी दौड़। तुम होते कौन हो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जबकि तुमने सबसे पहले स्वयं अपने राजपूत भाइयों को मारना आरंभ किया था। जो कभी तुम्हारे मित्र थे तुमने उनको मारा जिसने तुम्हें शांति का सुझाव दिया। हाँ, हमने मारा। जो भी हमारी मातृभूमि के साथ छल करेगा उसे धोखा देगा। हम उसे छोड़ेंगे। तुमने हमारे राजपूत भाइयों के साथ धोखा। जो भी राजपूताने की गौरव संस्कृति और विरासत के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए शत्रु के क्रोध में विभीषण बनकर बैठेगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? ये धरती हमारी माँ है मानसिंह, और जो भी हमारी माँ की ओर आंखें उठाकर देखेगा अपने अपवित्र पाँव हमारी धरती पर रखे, हम उसे मृत्यु लोक पहुंचा देंगे, फिर भले ही वो तुम जैसे राजपूत ही क्यों ना हो। तो समझ लो ये हमारे बीच अंतिम संवाद था, जो आप सदा सदा के लिए गिरते जाते मरते जाते चढ़ते जाते। लगता है तुम सबको इस तरह खुशखुशी की बीमारी है जिस तरह चूहों वाली ताउन बीमारी हमने उदयपुर में फैलाई है। करते तो बहुत तक चढ़ते चले गए मामा, ये तो हमारे सैनिकों से प्रवेश द्वार नहीं टूट रहा है, और पता नहीं ये स्त्रियां क्या क्या फेंके जा रही हैं ऊपर से। आप सेनापति हैं कुंवर जगमाल, इस पर आदेश दीजिए, मन लगाकर द्वार तोड़ेंगे सारे सैनिक। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक सैनिक अपना पूरा मन लगा के इस प्रवेश द्वार को तोड़े, शीघ्र तोड़े। Yeah.
फजल खान। हम तुम्हें एक ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। सिंह जी उठिए उठिए जल्दी आइए आइए। हमारे वीर योद्धाओं, हम हल्दी घाटी के महायुद्ध को अब जीत सकते हैं। अब मात्र 1500 मुगल सैनिक बचे रह गए। क्या आप में से किसी ने भी कभी मुगलों की इतनी कम संख्या देखी? नहीं रहा तो फिर आइए आज हम इनकी वो गत बना दें, इनकी आत्माएं ही हल्दी घाटी छोड़ कर जाए। एक और समस्या राणा जी, राणा जी तो देखिए 1,00,000 की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर ही आ रहे हैं। और इसमें बीकानेर और आमेर जैसी राजपूत रियासतों के लोग भी सम्मिलित और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई भाई भक्ति शक्ति से। तो देखिए 1,00,000 की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर ही आ रहे हैं और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई भाई शक्ति शक्ति से। आपके कई राजपूत राजाओं ने हल्दी घाटी की जंग के इस आखिरी मरहले में हमारा साथ और हमारे साथ जंग में शामिल होने की पेशकश की है, जिसमें हमारे साथ दोस्त और ताबून का पैगाम भी भेजा है, कई पनी फौजें भी भेजी। इस ताकत को मिलाकर देखा जाए तो एक घायल प्रताप ही क्या, इस जैसे 100 प्रतापों को शिकस्त करने की ताकत रखती है। हमारे ख्याल से अपनी वफादारी दिखाने का आज तुम्हारे पास है नायाब मौका दरपेश है, जिस पर फैसला लेने पर हमारी तरफ से तो कई फायदे दिलवाएगा और तवारीख के पन्नों पर दर्ज भी करवा सकता है। तो बोलो
प्रताप पे इस आखिरी हमले वाली फौज की कमान को लेने के लिए तैयार हो तो। हम तैयार हैं। तैयार हैं। इस समय युद्ध भूमि की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विजय तो अब होकर रहेगी। हमारे सभी सेनापतियों और सिपाहियों से ये आग्रह है कि विजय पथ पर चलते समय विरोचित गरिमा का पालन किया जाए। हारते हुए राजपूत सैनिकों को कम से कम पीड़ा वाली मृत्यु दी जाए। पर हुकुम, आप किसके साथ लोहा लेंगे इस रण क्षेत्र में? हम सामना करेंगे महाराणा प्रताप का। राणा जी, आपको सुरक्षित मार्ग लेके यहाँ से निकल जाना होगा। हम एक योद्धा हैं। आप चाहते हैं कि हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं? परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। राणा जी कुंवर जगमाल ने मुगल सेना के साथ उदयपुर पे आक्रमण कर दिया है। वहाँ हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक है। मुट्ठी भर रानी सा है, अमर सिंह है और उनके साथ उदयपुर की समस्त स्त्रियां। आपको वहां जाना होगा। समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वहां जाना होगा राणा जी, इसी क्षण। बस आचार्य जी बस। आप चाहते हैं कि राणा प्रताप सिंह अपने विश्वस्त सामंतों, अपने हितैषी मित्रों, अपनी समस्त सेना को छोड़कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए ताकि इतिहास जो है राणा प्रताप सिंह को देशद्रोही और कायर कहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि जीवन भर जिस राणा प्रताप सिंह ने देश की बातें की, देश को बचाने की बातें की, मातृभूमि की बातें की, वो वास्तव में कायर था। आपने हमें सदैव बताया कि हमें अपने अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, और आप आज हमें कह रहे हैं कि हम इस धरती को छोड़कर चले जाएं उन मुगलों के हाथों। नहीं आचार्य जी, हम चित्तौड़ के इतिहास को नहीं दोहराएंगे। आज हल्दी घाटी की इस पावन मिट्टी या तो मुगलों के रक्त से रंजित होगी या फिर राणा प्रताप सिंह के रक्त से सराबोर। राणा जी, केवल आप ही ऐसे योद्धा हैं जिस पर लोगों को आस है। लोगों को लगता है कि जब तक आप जीवित है तब तक उनका स्वप्न जीवित है। समस्त भारत को एकजुट करने का सपना, समस्त भारत की एकता का सपना, समस्त भारत की अखंडता का सपना, समस्त भारत पर हिंदू राज का सपना। खमागड़ी राणा जी, जगमाल ने मुगल सैनिक टुकड़ी की सहायता से उदयपुर के प्रमुख द्वार पर आक्रमण कर दिया। महारानी फूल कुंवर बाईसा, अमर सिंह जी और चक्रपाणी उनसे मोर्चा संभाले हुए। राणा जी, अब जाइए यहाँ से। आपको इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। मुगल सेना हमारी ओर तत्पर बनती जा रही है। हमारे पास समय बहुत कम है राणा जी। क्या चाहते हैं आप? कि आप राजपूती मर्यादा के कारण अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में डाल दें? राजपूती मर्यादा के कारण मेवाड़ के राजघराने की आन बान शान को, उसके भविष्य को मिट्टी में मिला देंगे आप? क्या चाहते हैं राणा जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों स्त्रियां जौहर कहें? क्या चाहते हैं राणा जी? यदि स्त्रियों ने अपने प्राण दिए तो उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे आप। केवल आप राणा जी, केवल आप। आपको यहां से निकलना होगा राणा जी, इसी क्षण आपको यहां से निकलना होगा। सब कहते हैं हम आप जैसे दिखते हैं राणा जी, तो बस निभाने दीजिए हमें हमारा कर्तव्य। जीवन भर आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो बस एक बार आज वो आपके निमित्त करके हमें हो जाने दीजिए मेवाड़ के लिए अमर। जाइए राणा जी, आप जाइए यहां से। अब आपका स्थान झाला जी लेंगे। क्यों झाला जी? चिंता मत कीजिए भाई, शहंशाह के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हमारे साथ हैं। अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। सब लोग तीर छोड़िए। विजय क्षण उधर विजय, कोई प्यार आ रहा, कोई था बिकल कर आ रहा। लोगों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा, कोई चिल्ला अल्लाह रहा। चलो भीतर।
रणभूमि जानती है। किराना जी के बाएं हाथ पे गहरा दाव। राणा तक चढ़ता चला गया। छाला ने राणा रक्षा की रख दिया देश के पानी को। वो देखो प्रताप, हमला करो उस पे, बच के नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अपनी अमर कहानी को। जय मेवाड़। जय मेवाड़। छोड़ दो तुझे, मार डालो प्रताप को। देखो प्रताप तुम हो रहा। या खुदा, मतलब हमारी फौज जिसे असली प्रताप समझ रही थी वो कोई और है। असली प्रताप तो वो रहा, मतलब हमारी फौज तो खामोख अपना वक्त जाया कर रही है। जब हम दोनों ने देख लिया इसे तो कैसे बच के जाएगा ये। पीछे करो उसका। चलो चलो। को अरे मार डाला प्रताप को। चेतक और तेज, चेतक और तेज, हिम्मत मत हारिए, हमें शीघ्र ही उदयपुर पहुंचना है। चलिए चेतक। चलिए चेतक, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पार कर पाएंगे। चलिए चलिए चेतक। चलिए चेतक। तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक आप ठीक तो है ना? चेतक आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को, कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को। क्या बात है चेतक? कुछ नहीं हो सकता आपको।
आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक, आपने तो वचन दिया कि आप हमारा साथ देंगे, हर पग पर आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे प्रिय मित्र हैं चेतक, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक, चेतक हमसे बात कीजिए चेतक, चेतक आपने वचन दिया था हमारा साथ देंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते चेतक, आप हमें छोड़कर नहीं, उठिए चेतक, उठिए, उठिए चेतक, उठिए चेतक, उठिए, हमें ऐसा शो नहीं चाहिए, जो हिना के नखरे दिखाए दिखा, माना कि बहुत हट्टा कट्टर कसीला हिला है, और नखरे कुछ अधिक दिखा के दिखा रहा है। आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है, हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं, इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। जय जय जिसकी होती थी जय का भूमि बाढ़ है नम। और जोर से मारिए, और जोर से। अमर सिंह जी, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा, कुछ आवश्यक बात करनी है हमें आपसे। क्या बात है छोटी माँ? हतीघाटी से दुखद समाचार है, आपके दादाजी रहा। नहीं नहीं छोटी माँ, ये उन मुगलों ने अफवाह फैलाई रखी है। दीदी अमर सिंह जी, इस बार उनका कहना है कि ये अफवाह नहीं है। मित्रता का आपने एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे, हम आपके बिना सदैव अधूरे रहेंगे चेतक, क्यों चले गए हमें छोड़कर आप, समझ जाना चाहिए था कि तुम खुद प्रताप को अपने हाथों से मारना चाहोगे। कोई बात नहीं, देर आयम दुरुस्त आयम, चलिए यह हक हम आपको अदा फरमाते हैं, संभालिए अपना शिकार। आप दोनों चुपचाप यहां से चले जाइए और इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? हमारे पास हुक्म है प्रताप को मारने का, और आपको याद दिला दें, आपको भी प्रताप को मारने का ही हुक्म दिया गया है। हम अपना आदेश दोबारा नहीं दोहराएंगे, आप दोनों चुपचाप यहां से लौट जाइए। गद्दार, मुगल फौज के सिपहसालार बन जाने के बावजूद भी मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन को बचा रहे हो। दुश्मन नहीं भाई है वो हमारे, और एक सच्चा राजपूत
कभी भी एक राष्ट्रभक्त का दुश्मन नहीं हो सकता। और शक्ति सिंह ने मुगलों से हाथ मुगलों की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तुम मुगलों को मिटाने के लिए मिलाया था। रद्दार! पूर्ण विश्वास था कि आप लौट आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे राजपूत हैं, एक सच्चे राजपूत। उस मुगल का साथ देना और अपने बड़े भाई पर तलवार उठाना दो अलग अलग बातें हैं। हमसे एक भूल नहीं, बहुत सारी भूलें हुई हैं दादा भाई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस भूल की क्षमा मांगे हम आपसे। लेकिन आप घबराइए मत, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो चेतक भी हमें छोड़कर चला गया। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हर आस जीवित है। हमारी, आपकी, समस्त मेवाड़ की। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हम हार नहीं सकते। दादा भाई, इससे पहले कि कोई और मुगल यहां आ जाए, आप यहां से निकल जाइए। ये लीजिए हमारा घोड़ा, घटक नाम है इसका। दादा भाई, हम सबको आपकी आवश्यकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। आप यहां से जाइए, हम आपको बाद में मिलते हैं। जय मेवाड़। जय मेवाड़।